अस्सलाम वालेकुम बेटा, आओ बैठो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या हुआ बेटा, ऐसे तकल्लुफ करके क्यों बात कर रहे हो मुझसे? करीम, तुम मुझे बाबा कहकर भी बुला सकते हो बेटा। आपको कोई बात करनी थी, कहिए, क्या बात है? बेटा देखो, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं आजकल। मुझे 5,000 की जरूरत थी, जो मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसों में से ले लिए थे। बहुत परेशानी में मुझे ऐसा करना पड़ा, और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन एपिक ने तुम्हें बता दिया। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है और ना कोई गुस्सा है। मुझे अगर कोई फिक्र है तो सिर्फ अपनी एपिक की। शाबाश मेरे बेटे, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। देखो, ये तो ऐसी बात है कि जो बहुत अच्छा आदमी कर सकता है, यानी एक खानदानी आदमी। वो तो मैं हूँ बेटा, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सब कुछ सच बताऊँगा, क्योंकि अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। मैं अपने बेटे के लिए एक दुकान खोलना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है बेटा। हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है बेटा। ऐसा है, दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास बहुत थोड़े पैसे, और थोड़े पैसों का मतलब है कि उन्हें भी गंवा देना। इसलिए तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं किस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। मैंने किसी से उधार लिया भी था करीम बेटा, मैंने सूद पे पैसा लिया, वापस ना करने की वजह से किस्तें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए परेशान। तो जनाब, आप क्या करेंगे, क्या होगा? पैसे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, और घर में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको बेचकर अपना कर्ज चुका सकूँ। कुछ रुपये मज़ीद चाहिए मुझे। बस थोड़े दिन की परेशानी है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन करो, बहुत जल्द लौटा दूंगा तुम्हें। यानी मैं तुम्हारी हर महीने की किस्त बांध दूंगा, इस तरह तुम्हारे पैसे चंद महीनों में ही उतर जाएंगे। बेटा एपिक भी आ गई है, हो सके तो पैसों का तस्करा उसके सामने मत करना। अरे एपिक बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जो तुम्हें काम दिया वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जान लो। वो आ जाएगा भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। टुवल मेल मॉडल की सिलेक्शन तुम करोगी। ओके ओके, बहुत आला। ऐसा डैशिंग बंदा लाऊंगी कि तहलका मचा देगा कैप्टन। हाँ इब्राहिम, जो काम तुम्हें दिया था वो हो गया? बेहतरीन जा रहा है, बस खत्म होने वाला है। 2-3 दिन में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। वेरी गुड, हमारा पूरा प्रोजेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। नहीं, फिलहाल तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हयात काफी हेल्प कर सकती है मेरे काम में। एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट की विजुलाइजेशन में तो एक औरत की इमेजिनेशन काफी करामत हो सकती है। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए भी है तो किसी प्रोफेशनल से मांगो। हयात को क्यों इन्वॉल्व करो इसमें? नो, हयात के टैलेंट पर काफी भरोसा है मुझे। अगर ये तुम्हारी हेल्प करेगी तो मेरा काम कौन करेगा, बताओ हयात। अब फिर इसे किसी एक को चूज करना होगा। बहुत लकी लड़की है माशाल्लाह। आईपैक, ऐसे अचानक क्यों बेटा? वैसे बाबा जान, असल सरप्राइज तो आपने दिया है। आपको कोई अचानक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया था और आपने इसे कॉल की, मुझे नहीं। बेटा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, और करीम भी कौन सा हमारे लिए अब गैर है, बस कुछ डिस्कस करना था। अहम मसला? हाँ बाबा, देखें ऐसा कोई मसला नहीं हो सकता। अरे कल तो मिले हैं आप इससे, बहुत मोहब्बत हो गई है आपको करीम से। बेगर्ज मोहब्बत तो नहीं, लगता है वैसा ही कोई मामला हो गया है फिर से। पैसों का मामला तो नहीं है क्या? आपने फिर से इस दफा इससे पैसे तो नहीं मांग लिए? यार ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। सॉरी कहा आपने इसे? हर चीज मालूम हो चुकी है अब करीम को। एपेक इसके लिए मुझे सॉरी बोल चुके हैं। इसीलिए तो कॉल की थी मैंने, बहुत जल्द पैसे वापस कर दूंगा इसे। बस इंतजाम होने वाला है, कोई परेशानी नहीं है अब। खुदा करे ऐसा ही हो बाबा। एपेक यकीन करो, मैं पैसे लौटा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं,
पहले ही लेट हो गए हैं। चलो करीब। खुदा हाफिज बाबा। हेलो, सुनो बेटा, यार तुम्हारी आपा ने सारा प्लान बिगाड़ दिया है। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे यार, ऐन वक्त पर वो यहाँ पहुँच गई। हाँ ठीक है, मैं करीम से फिर से बात करता हूँ। तुम फिक्र मत करो, कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, मैं फिर बाद में बात करता हूँ तुमसे। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। कौन है वो? दुरुग की उस फ्रेंड की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह खुश अखलाक और मोहब्बत करने वाली लड़की है। लेकिन बोलती बहुत ही ज्यादा है। हाँ ये तो है, मगर बहुत मोहब्बत भरी हुई है उसमें और दुरुग भी इंटरेस्टेड है। मगर आप तो जानती हैं अम्मी जान, ये तो मुमकिन ही नहीं है किसी तरह भी। क्यों मुमकिन नहीं है भला? दोनों जवान हैं और दोनों गैर शादीशुदा। उनका मामला मुमकिन नहीं है तो क्या हमारा तुम्हारा मामला मुमकिन होगा भला? बात सुने, दुरुग मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे। वो दोस्ती जरूर रख सकता है इस तरह की लड़कियों से, लेकिन उन्हें अपनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्यों नहीं हो सकता, क्या खराबी है उसमें? खराबी लड़की में नहीं, खानदान में है। मैं बता रही हूँ आपको, एक लड़की जो एक नर्स हो और उसका बाप एक किसान हो, दुरुग कभी भी शादी नहीं कर सकता ऐसी लड़की से। तुम्हें घर के लिए बहू चाहिए या साठे के लिए नई सेक्रेटरी? क्या मसला है तुम्हें उस लड़की से? अरे क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है अम्मी, बस भी करें, खत्म करें ये टॉपिक, बहुत हो गया। और वैसे भी वो हमारे दुरुग से उम्र में 2-4 साल बड़ी ही होगी। हाँ तो क्या हुआ फिर, यंग लड़की लाओगी तो कोई अवार्ड मिलेगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? वाह वाह भाई, तो ये बात है। क्या बात है? वो लड़की जो आपको नजरअंदाज कर रही है, वो हमारे ऑफिस की एम्प्लॉई है और आपने मुझसे ये बात छुपाई। तुम्हें जिसने भी ये बात बताई झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप जो कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। भाई मैंने आज तक आपसे अपना कोई अफेयर छुपाया है? ठीक है मैं समझ सकता हूँ, उम्र में बड़े हैं इसका लिहाज कर रहे होंगे, मगर अब बहुत टाइम हो गया है। चलें बताइए, आपका और हयात का रिलेशनशिप कब से चल रहा है? आश्क लफ्ज़ान अल्लामा।